हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 8 नवोदय बैच का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के 6 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको जाके देख लीजिए, और स्पेशली जो 6 लेक्चर है उसको अच्छे से देखना, क्योंकि उसी का हम यूज यहाँ करने वाले हैं और उसी के बेसिस पे हम लोग रैशनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब समझ लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला जाता है और डिसेंडिंग ऑर्डर को डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला जाता है। असेंडिंग का मतलब होता है जो सबसे छोटा नंबर है उससे बड़े नंबर की तरफ हमें लिखना है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 है तो 1 से 5 की तरफ जा रहे हैं। 1 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5। तो ये जो ऑर्डर मैंने बताया 1, 2, 3, 4, 5, ये ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और ग्रेटेस्ट टू लोएस्ट जो ऑर्डर होगा, जो सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की तरफ, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, ये वाला जो ऑर्डर होगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। आई होप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का आप लोगों को मतलब समझ में आ गया होगा। अब इनको हम कैसे अरेंज करेंगे, इनको हम 2 एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके बाद में आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और जो भी आपका रिजल्ट आता है उसको आप कमेंट करके बताइए। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स हैं उनको देख लेते हैं कि इन रूल्स के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टेप पे हमें क्या करना है, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। जो भी डिनोमिनेटर्स गिवन है, जैसे यहाँ पे 4, 12, यहाँ पे ध्यान रखना मैं माइनस साइन को इग्नोर करके चल रहा हूँ, कैसे मैं एडजस्ट करूंगा इसको आगे आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 16 और 24, इन तीनों का हमें, इन चारों का हमारे को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद में मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल टू एलसीएम, और फिर ये जैसे 4 है इसको भी एलसीएम के इक्वल बनाना है, -12 को भी एलसीएम के इक्वल बनाना है, 16 को भी एलसीएम के इक्वल बनाना है और 24 को भी एलसीएम के इक्वल बनाना है। ऐसे ही सिमिलरली यहां भी चारों का एलसीएम फाइंड करके इन सब डिनोमिनेटर्स को क्या करना है, एलसीएम के इक्वल बनाना है। जब एक बार एलसीएम के इक्वल बन जाएगा, यानी मतलब डिनोमिनेटर सारे इक्वल हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे और जिस भी ऑर्डर में वो अरेंज करवाना चाहता है नंबर्स को अरेंज कर देंगे। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में करवाना चाहता है तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरीके से। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करवाना चाहता है तो सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, उसके बाद में उससे छोटा, और इससे फर्दर आगे चलते रहेंगे। तो चलिए देखो, इस एग्जाम्पल को सोल्व करके देखते हैं इन चारों नंबर्स को हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम 4, 12, 16, 24, ये जब आप निकालोगे ना, ये आपको खुद का करना है, क्योंकि एलसीएम का ये कॉन्सेप्ट है सब 6, 7 में पढ़ा दिया है। एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर आना चाहिए जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। तो देखो, वो नंबर है ना 24 से तो छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 24 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 24 को देखो, सबसे पहले 24 को पिक कर लो, क्या 24 इन तीनों से भी डिवाइड होता है? नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, 12 से हो रहा है, लेकिन 16 से नहीं हो रहा। तो फिर 24 का मल्टीपल क्या होगा, 48। तो 48 देखो 4 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी होता है, 16 से भी होता है, 24 से भी होता है। तो इनका एलसीएम जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। आप लोग चाहो तो इस तरीके से प्रॉपर तरीके से निकाल के देख लेना, 4, 12, 16 और 24। अभी मैं टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। हमें एलसीएम की प्रैक्टिस आप लोगों की इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखो, अब हमें क्या करना है, सभी डिनोमिनेटर्स को इस 48 के इक्वल बनाना है, यानी कि -3/4 है इसको भी कितना बनाना है, 48 बनाना है, यहाँ पे 4 को 48 बनाना है। ऐसे -5/12 है, सॉरी 5/-12 है, इसको भी हमें क्या बनाना है, 48 बनाना है डिनोमिनेटर को। यहाँ क्या है, -7/16 में 16 को भी 48 बनाना है, और यहाँ क्या होगा, 9/24 है, इसमें इस 24 को भी क्या बनाना है, 48 बनाना है। अब ये कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट सीखा था प्रीवियस क्लासेस में कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो जो नया नंबर मिलेगा हमारे को रैशनल नंबर, वो उसके इक्विवेलेंट ही होता है। तो जैसे 4 को 48 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, -3 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -36 से माइनस है प्लस है तो माइनस होगा मल्टीप्लाई करने पर, और 3 12 जाए 12 3 जाए कितना होगा, 36 होगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब -12 को 48, पहले बात ही माइनस है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने पे प्लस कब बनेगा, जब दूसरा नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी किसका हो, नेगेटिव हो,
यानी माइनस ट्वेल्व को अगर हम माइनस के फोर से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वेल्व फोर जब 48 हो गया, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा हमारे को माइनस फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे तो देखो माइनस माइनस प्लस, ट्वेल्व फोर जब 48 बन गया, फाइव फोर जब 20 और प्लस माइनस माइनस का 20। आई होप ये दोनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब सिमिलरली इनको भी यही करना है, 16 को 48 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन गया माइनस का 21, 48 को ये बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर बन गया 18 हो गया। आई होप ये चीज आप लोगों को कन्वर्जन वाला, यानी कि फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप हमारी क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब हमें थर्ड स्टेप पे आना, थर्ड स्टेप में क्या करना, कंपेयर करना है सबको। तो जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर को कंपेयर करो, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो रहस्ता नंबर बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो रहस्ता नंबर छोटा। तो यहाँ देखो एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो सबसे छोटा वाला सबसे पहले आएगा, लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट करना है, तो सबसे छोटा जिसका देखो न्यूमरेटर है -36, -20, -21, -18। मैंने बताया था माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, तो सबसे छोटा क्या होगा -36/48, फिर उससे बड़ा ग्रेटर के लिए साइन यूज करते हैं, उससे बड़ा क्या होगा ये वाला -21/48, फिर उससे बड़ा क्या होगा -20/48, और फिर यहाँ कितना होगा 18/48। अब इनको ओरिजिनल फॉर्म में लिखे तो -36/48 एक्चुअल में कितना था -3/4, उसके बाद में -21/48 कितना था -7/16, फिर तीसरे नंबर पे -20/48 आएगा यानी -5/-12, और सबसे लास्ट में क्या आएगा 9/24। तो ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस बार क्या करना है, ऐसा ही क्वेश्चन है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले वाले स्टेप में क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, तो एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 and 30। अब देखो तो मैंने बताया कि देखो जो भी एलसीएम आएगा वो 30 से छोटा नहीं आएगा, क्योंकि 30 का डिवाइड होना चाहिए उसमें। तो क्या इन तीनों से 30 में डिवाइड हो रहा है, देखो 10 से हो रहा है, 15 से हो रहा है, लेकिन 20 से नहीं होता। तो 30 का मल्टीपल क्या होगा, 60 होगा। तो 60 को देखो 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 से भी हो सकता है, 20 से भी हो सकता है, 30 से भी हो सकता है। तो इनका डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, 60। ये टाइम बचाने की टेक्निक है, आप प्रॉपर तरीके से भी निकाल के देख लेना, तो भी कितना आएगा 60 आएगा। आई होप ये सारी चीजें मैं जो बोल रहा हूँ ये आप लोगों के समझ में आ रही होगी। और ये जो मैं बीच बीच में चीजें बोलता हूँ ना, जो मैं इनको लिखता नहीं हूँ, तो आप चाहो तो इनको क्या कर सकते हो, कहीं पे इस टाइप का क्लाउड बना के क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो स्टार मार्किंग करके, क्योंकि ये क्या करेगी आप लोगों की कैलकुलेशन को बूस्ट कर देगी, मतलब कैलकुलेशन बहुत तेजी से फास्ट हो जाएगी आप लोगों की। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो देखो एलसीएम के आगे हमारे को अब सभी के डिनोमिनेटर्स को कितना बनाना है, 60 बनाना है। तो -3/10 है, इसको बनाना है 60। ऐसे ही 7/-15 है, इसको भी हमें बनाना है, नीचे 15 को भी 60। ऐसे -11/20, इसको भी हमें 60 बनाना है, और यहाँ पे -17/-30 को भी हमें क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो देखो 10 को 10 को 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना बन गया माइनस का 18 हो गया। -15 को ये बनाना, तो माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो -15, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस के 4 से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 4 60 हो जाएगा। तो ऊपर न्यूमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये प्लस का ये माइनस का है, तो माइनस का आएगा, 7 4 20 8 आएगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम देखें इसको 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -11 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, और 11 3 जा 33 हो गया। -30 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 32 जब 60 हो जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 2 जब 34, ये प्लस और ये माइनस है, इसलिए माइनस का 34। ये चीज हमने क्या कर ली, सबके डिनोमिनेटर्स को कन्वर्ट कर लिया किसमें, एलसीएम के इक्वल। अब न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे बड़ा जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आएगा। तो देखो इन सबको देखो, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नेगेटिव नंबर में जितना बड़ा होता जाएगा नेगेटिव नंबर, उतना ही वो छोटा होता जाएगा, यानी नेगेटिव में जो यहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा होगा वो एक्चुअल में सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कितना होगा, -18/60 सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये स्मॉलर का साइन आएगा, ठीक है, कितना होगा, -28/60,
फिर उससे छोटा क्या होगा, माइनस 33/60, और उससे छोटा होगा माइनस 34/60। अब इनको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, माइनस 18/60 एक्चुअल में कितना था, माइनस 3/10, माइनस 28/60 एक्चुअल में कितना था, 7/-15, फिर उसके बाद में 33, माइनस 33/60 कितना था, माइनस 11/20, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, मतलब सबसे लास्ट में क्या आएगा, 17/-30। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है, इन दोनों को हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और इन दोनों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वो है वो बता देता हूँ, जैसे 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेना, 1 लगा लेना। जैसे अभी इन दोनों क्वेश्चन को किया है वैसे इन दोनों को करना है। उसके बाद में जो भी आप लोगों का रिजल्ट आता है उसको आप कॉमेंट करके बताइए कि हमारा इसका ये वाला ऑर्डर आया और इस वाले इन दोनों का क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।